तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा। इसीलिए कहते अभी मेरे से रिलेशन रखो। अभी रिलेशन रखने में कोई देरी है? उसके लिए हठ योग, प्राणायाम, ये सब करना। रिलेशन का मतलब ही है कि बाप का हो कर करके चलो। तो फिर बाप देखो एक बार प्योर है ना, तो हमें प्योर होके चलना चाहिए ना। तो बाप क्या है, बाप की क्वालिफिकेशंस कौन सी है, तो बच्चे की क्वालिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए। तो हाँ, हम बाप को देखें और फिर अपने को देखें, तो फॉलो करें ना कि भाई बाप एवर प्योर है तो हम इम्प्योर से प्योर तो हो ना। तो हमको भी ऐसा ही बाप के समान अथवा बाप से जो कुछ बल मिलता है उसी को धारण करने का है। तो ये सभी चीजें हैं जो बुद्धि में रख कर करके और अपनी धारणा को आगे बढ़ाना है। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है, कुछ भी नहीं। बाप क्या मेहनत देगा कि बच्चे हठ योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो वो करो। हाँ, बाप क्या डिफिकल्टी देगा। बाप तो कहते हैं बच्चे बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो, उसको अपना मेरे में लगाओ। ये बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, किधर हो गई है, माया की तरफ चली गई है, अर्थात पांच विकारों की तरफ तेरी चली गई है। अभी उधर से बुद्धि को निकाल करके, वो गीता में भी कहा नहीं, देह है, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा कर करके, ये विकारी जो भी कुछ देह है और विकारी देह का संबंध है, इन सब से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे से लगाओ। तो खाली बुद्धि को हटाओ ना, कहा नहीं मन मना भव है। तो मन मना भव का अर्थ क्या, कि मन को मेरे में लगाओ। तो उधर से मन निकाल कर करके मन को मेरे में लगाओ। तो खाली मन को बदलना है ना, उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है। बाकी इसमें आसन या कमर या कोई प्राणायाम इन्हीं सभी बातों की, हठ योग साधनाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग जो जिस योग बल से मैंने तुमको इतना ऊंच बनाया और ये तुम्हारे दुख दर्द नाश किए, वो देखो कितना सहज है। तो अभी ये सहज ज्ञान और सहज योग का जिसको राज योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुरुषार्थ रखते और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पुरुषार्थ रखो। और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बाप मैं कहते मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तव्य करता हूँ, तो मैं भी कर्तव्य कैसे करता हूँ, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो ना, मेरे कर्तव्य क्या। तो कर्तव्य की दुनिया यही है, मुझे भी कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऊपर बैठ के करूँ, ऊपर तो है साइलेंस, मैं भी सोल साइलेंस, उधर ऊपर की तो बात ही नहीं ना। मुझे भी आकर करके काम करना है, मेरी भी जो मैम आए ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर तो इन्हीं की बात है नहीं, जहाँ ज्ञान है तो मैं वहाँ ज्ञान दूंगा ना। तो इसीलिए तो मुझे आना पड़ेगा नहीं मनुष्यों को समझाने के लिए, तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पड़ेगा नहीं, कैसे समझाओ, नहीं तो कोई रास्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो कि कैसे समझाया, उनका कोई और तरीका आता है किसको बताओ, नहीं सवाल हम मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाना है ना, हम बेसमझ बन गए हैं, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए ना। हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार मच्छ अवतार वो कैसे समझाएंगे, उसमें आए तो कैसे समझाए। हम मनुष्यों को समझाना है, नहीं बेसमझ हम बने हैं, हमारी बेसमझी से तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए बाप कहते तुम ऊंचा बनो, फिर तो तुम्हारी सारी प्रकृति ऊंची बन जाएंगी। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुमको ही तो समझना है ना, तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा ना, यानी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं मनुष्य का आधार लेके आता हूँ और आता हूँ उसी तन में जिसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं, कई बेचारे मूंझते हैं कि ब्रह्मा में परमात्मा आता है ये कैसे, तभी किस में आवे, कैसे समझावे, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। वो जो सुप्रीम सोल नॉलेजफुल है तो वो नॉलेज कैसे देवे, बिना ऑर्गन्स के तो बोलना आत्मा सवाय शरीर के तो बोल नहीं सकती है ना। आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो ना, अगर आत्मा निकल जाए तो फिर आत्मा बोलती है ना, आत्मा बोलती है ना शरीर बोलता है, दोनों अलग होते हैं, तो न शरीर काम का है
ना आत्मा काम किया। जब आत्मा शरीर का साथ लेती है तब तो देखो आत्मा जीव आत्मा बनती है, जीव कहा जाता है शरीर को बॉडी को और आत्मा आत्मा। तो जब जीव आत्मा यानी दो जीव और आत्मा शरीर और आत्मा मिलते हैं तभी देखो आप बोलते हो चलते हो सब कुछ करते हो, तो दोनों का इकट्ठा होना चाहिए ना, आत्मा अलग शरीर अलग तो दोनों काम के नहीं, नहीं आत्मा कुछ है अकेला बिना शरीर के क्या करेंगी। हाँ रत्न लुटाई तूने सौभाग्य जगाई तूने, रत्न लुटाई तूने सौभाग्य जगाई तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि